जय श्री राम। आज हमारे पास एक मोटर आई है, मोटर देखो HR, और ये है आपकी जो ढोल मंजीरा बजाई जाती है ऑटोमेटिक मंदिरों या मतलब किसी भी जगह पे गुरुद्वारे वगैरह जिसमें भी ढोल मंजीरा जो बजाई जाती है ऑटोमेटिक आरती की जो साउंड होती है ना उसमें से ये मोटर आई है आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए। जो इस तरह की जो आरती का मशीन होता है उसमें ये वाली मोटर लगी रहती है। मोटर का वाइंडिंग देखो और SP का बात करो तो 1.6 SP की हो जाती है, और वोल्ट का बात करो तो आप देख सकते हो एम्पियर इतना पे लिखा हुआ, RPM आपका 2800 नहीं, यहाँ पे तीनों लिखी गई है लेकिन तीनों नहीं है, आपका 1440 RPM में है क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो है ना आपका देखो स्लॉट बाई स्लॉट किया हुआ है, इसलिए ये 1440 RPM में हो जाती है। स्टेप में वाइंडिंग रहते तो फिर इसे 2800 RPM के साथ होती है। कैपेसिटर का बात करो तो ये मशीन का वाट का बात करो तो 50 वाट की हो जाती है। कैपेसिटर इसमें 12 FMD की लगाई गई है जो कि आप देख सकते हो, हालांकि इसमें 10 FMD की कैपेसिटर लगी रहती है लेकिन इसमें 12 FMD की लगी हुई है जो कि गलत है। और ये मोटर हमारे पास जली हुई हालात में आई है। सर्वप्रथम आगे के साइड इस तरह की पुली रहती है तो पुली को ओपन करो और ये पुली जो होती है ना आपकी खुल करके सामने को आ जाती है। चलिए इसको कैसे वाइंडिंग की जाती है और इसकी डाटा क्या होता है, इसका वायर नंबर क्या होता है, इसको सिल्वर से वाइंडिंग की जाती है या कॉपर से वाइंडिंग की जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। जैसे ही नट को ढीला करोगे फिर से आपकी ये जो पुली लगी रहती है इसमें ये आपकी पुली निकल करके हाथों में आ जाती है। ये वाली पुली इसकी निकल करके आ गई है। बात आती है मोटर, तो मोटर ओपन करने के लिए आगे के साइड से नहीं होता है और इसमें आपका कैपेसिटर रहता है, और ये क्लच प्लेट वाली नहीं होती है क्योंकि इसी टाइप में आपका क्लच प्लेट वाला भी मोटर आता है, तो ये क्लच प्लेट वाली नहीं है। ओनली वन आपको दो नटों को ओपन करना होगा, ये वाली नट और ये वाली नट, आपकी मोटर ओपन हो जाती है। होने के बाद नट को हमने खोला, दो नट को आपको ओपन करनी होती है और पीछे के साइड से जैसा ही प्रेस करोगे इस साइड से तो आपकी आगे के साइड से ऐसे देखो तो रोटर निकल करके आगे आ जाती है और ये हो जाती है मोटर। डिप का बात करूँ तो डिप काफ़ी ज़्यादा है आप देख सकते हो, और वेंडिंग इसका जो है ना स्टार्टिंग दूसरे वायर से की गई है और रनिंग दूसरे वायर से की गई है। स्टार्टिंग की कौन सी वायर होगी और रनिंग की कौन सी, स्टार्टिंग की वायर है उससे भी बेनिफिट ये बताऊँ कि ये सिल्वर में वेंडिंग की गई है, ऐसे देख सकते हो आप, ये सिल्वर में वेंडिंग की गई थी, कंपनी का वेंडिंग है, अभी कोई भी इस पर छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो हमारे पास आ गई है कंप्लेन के लिए, तो हमने इसको पूरा रिवाइंड करना है। चलिए सर्वप्रथम तो इसका वायर गेज वगैरह टर्न वगैरह जो भी होता है आप देख सकते हो रिवाइंडिंग इसकी कैसे की गई है। डबल डबल कॉयल के साथ आपका इसका रनिंग का वाइंडिंग किया गया है और सिंगल सिंगल कॉयल के साथ इसका स्टार्टिंग का वाइंडिंग किया गया है। तो आप देख सकते हो इसका कॉयल है ना पूरा का पूरा डेड हो चुका है, ऐसे देखो, और इधर साइड में भी से भी देखो तो ये पूरा डेड हो चुका है। स्टार्टिंग इसका ज़्यादा जला हुआ है, आप देख सकते हो पेपर वगैरह सब जल गई है, जैसे आप इस साइड से देखो तो इससे देखो पूरी जल गई है। और कॉयल का बात किया जैसे मैंने फर्स्ट में ही, तो ये आपका सिल्वर का कॉयल हो जाता है जो कि आप देख सकते हो, ऐसे ये सिल्वर वायर हो जाती है आपकी। थोड़े से मैं क्लियर व्यू से दिखाने का प्रयास करूँ तो ये देखो ये सिल्वर वायर हो जाती है। तो स्टार्टर इसका देख सकते हो कितना मोटा है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं बात करूँ तो ये समथिंग हमको 4-4.5 सेंटीमीटर के आसपास ये लग रहा है, जैसे अभी मेज़र कर पा रहे हैं हम इस चीज़ को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंची टेप में कि ये पूरी 4 सेंटीमीटर के हमारी हो जाती है स्टार्टर, जो कि आपके सामने ये वाली रही 4 सेंटीमीटर की स्टार्टर हो जाती है। इसकी स्टम्पिंग की बात करूँ 4 सेंटीमीटर की हो जाती है, और OD के बाद मतलब पूरे स्टार्टर की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, यानी कि ID OD आउटर डाई ये आपका 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। इनर डाई यानी कि ID आपका हो जाता है 5.5 सेंटीमीटर का हो जाता है इनर डाई। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने इसमें पेपर भी लगा रखी है, पेपर देखो कितने अच्छे क्वालिटी से हमने इसमें डाले हैं, जो कि आप देख सकते हो पेपर बहुत ही फिनिशिंग रूप से आपको डालनी होती है। दूसरा चीज़ ये कि अभी मैंने फ्रेम बना करके और इसका कॉयल भी बनाना शुरू कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको, जो कि आप देख सकते हो हमारी पूरी फ्रेम सेट हो चुका है, ऐसे देखो मैंने फ्रेम लिया हुआ है, नाप लिया हुआ है इस तरह का, और नाप लेकर के हमने फ्रेम को पूरा सेट कर लिया हुआ है, ऐसे फ्रेम तैयार हो गई। तार हमारी अभी आ रही है, ऐसे देखो तो तार हमारी ये आ रही है, और इसको मैं एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग करने वाला हूँ ताकि इसमें सिल्वर वायर पहले से डली हुई थी, मैं सिल्वर वायरिंग यूज़ करने वाला हूँ। टर्न की बात करूँ तो 160 टर्न की इसमें बनाई जाएगी, और उससे भी बेनिफिट ये बताऊँ कि इसमें आपको दो दो सेट का 4 कॉयल बनाई जाएगी, यानी कि ये दो सेट का एक कॉयल, फिर से ये दो सेट का 2 कॉयल, तीन सेट मतलब 3 सेट और 4 सेट, दो दो कॉयल का 4-4 सेट बनाया जाएगा इसमें। टर्न का बात करूं तो ओनली 160 टर्न डालने जाएंगे। कॉइल डालने की विधि थोड़ी सी दूसरी होगी, तो चलिए देखते हैं इसकी फर्स्ट कॉइल जो अब तैयार हो रही है इस तरह से देखो आप, तो आप देखो हमारी एक कॉइल तैयार हो चुकी है ऐसे देखो, तो इस तरह से आपको ये एक तैयार हुई है, जैसे एक छोटी है उसके ऊपर एक बड़ी है, तो इस तरह से आपको 4 कॉइलें तैयार करनी है, अभी हमको 3 कॉइलें तैयार करनी है। चलिए इसको बैठाते हैं, और इसका बैठाने का विधि कुछ दूसरा है, कैसे बैठानी होगी। पूरी स्लॉट का बात करूँ तो 24 स्लॉट की पूरी मतलब आपकी ये स्टार्टर हो जाती है, और स्टार्टर में आपका 2 स्लॉट छोड़ करके ऐसे 2 स्लॉट बीच में छोड़नी होगी, और 1 से 4 में इसका फर्स्ट लेयर और 1 से 6 में आपका इसका दूसरा लेयर बैठेगा। सेम ट्यूब वैसा ही होगा, इसमें कोई भी स्पेस नहीं छूटेगी, बीच कॉइल में कोई भी डिफरेंस नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें जो घिनागी आपकी रनिंग की एक एक कॉइल सभी स्टार्टरों पर चढ़ती हुई चली
जाएगी, तो आपको बीच में दो कॉइल छोड़नी होगी, गैप छोड़नी होगी, और उसके बाद इसको बैठाते चलना होगा। कनेक्शन की बात करूँ तो इसका कनेक्शन कुछ दूसरे ढंग से होगा। चलिए कनेक्शन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसकी हर एक लेयर को अलग अलग से बनाई जाएगी, क्योंकि ये कोई भी एक माले की शेप में तैयार नहीं होती है, जिसके कारण से इसका कनेक्शन थोड़ी सी टफ हो सकती है। कैसे होगा चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो हमने ऐसे एक कॉइल लगा रखी है, जैसे एक और दो के सेट में ये लगती है, बीच में दो डिफेंस छूटते हैं, आप देख सकते हो दोनों साइड से सेम होगा, और कॉइल जो भी डालना होगा फ्रेश रूप से डालना होगा। ऐसे देखो हमने कॉइल डाल ली है। और टर्न के बारे में बात करूँ, इसका मतलब इसका टर्न और लेंथ तो मैं नहीं बता सकता, ताकि इसकी फ्रेम के साथ लेंथ निकाली जाती। तो चलिए टर्न के बारे में बात करूँ, तो इसमें डाली गई है आपका स्टार्टिंग के लिए, सॉरी रनिंग के लिए इसमें डाली गई है आपका 26 नंबर सिल्वर वायर, जो कि आप देख सकते हो तार का वेट आपका 150 ग्राम होगा। टर्न का बात करूँ तो पर कॉइल टर्न 160 का होगा, जो कि आप नोट कर सकते हो। लेंथ अब मैं नहीं बता सकता हूँ, SWG आपका इसका होगा, इसके लिए लेना होगा आपका SW26 नंबर वायर। तार का वेट आपका टोटल 150 ग्राम होगा रनिंग कॉइल के लिए, रनिंग कॉइल सिल्वर वायर 150 ग्राम लेनी होगी। और उसके बाद टर्न का बात करूँ तो टर्न आपको पर कॉइल टर्न 160 लेना होगा, और इस तरह की इसमें चार सेट डलेगी। चलिए चारों सेट को क्लियर करते हैं फिर से इसकी स्टार्टिंग, क्योंकि अभी देखो तो इसकी जो भी मतलब इसका कनेक्शन होगा सब अलग अलग होगा, ताकि जो कि चारों जो इसकी कॉइल होगी चारों की चारों अलग अलग सेट में डाली जाएगी, इसलिए जिसका जो कनेक्शन होगा थोड़ा सा डिफेंस होगा। और बहुत ही क्लियर व्यू से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है। तो जैसे देखो हमने इसका वेंडिंग पूरा फाइनल कर लिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, और पर स्लॉट में आपका मतलब पर कॉइल में आपका दो दो स्लॉट इसमें गैप छूटा हुआ है, दो दो स्लॉट गैप इसलिए छूटा हुआ है ताकि इसमें सिंगल सिंगल कॉइल की आपकी स्टार्टिंग कॉइल आकर के बैठेगी। हर एक चीज़ को मैं आपको मतलब क्लियर व्यू के बाद साथ बताने की, जैसे एक एक चीज़ करके बताऊं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप देख सकते हो इस तरह के स्टार्टर को मैंने चार कॉइलों के साथ डबल डबल सेट के साथ इसको वेंडिंग किया है, यानी कि एक कॉइल में डबल सेट है, ऐसे आप देख सकते हो एक नीचे है, उसके ऊपर एक सेट है और बीच में दो गैप छूटेगी। इसमें आपको सिंगल सिंगल यानी कि एक से छः लेयर के बीच में आपको इसकी आकर के स्टार्टिंग कॉइल बैठेगी। चलिए इसका कॉइल भी डल चुका है, स्टार्टिंग का पूरा रनिंग का पूरा कॉइल डल चुका है, और इस साइड से हमने इसका कनेक्शन कर लिया हुआ है। हमने सिंगल सिंगल कॉइल डाले तो इसमें आपको 8 लीड दिखाई देंगे, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें इतने सारे लीड आपको इस तरह से दिखाई देंगे, तो हमको उसको शॉर्ट करके हमने क्या किया, इसका मतलब छोटा सा एक बना लिया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका मतलब एक से तीन के सीरीज में इसको कनेक्शन करना होगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं हमने ये कॉइल बड़ी वाली लिया, तो इसके जस्ट नीचे हमने ये वाली कॉइल को लिया, ये मैंने मान लेते हैं हमने इनर इसको छोड़ रखा है, मान लेते हैं हमने इनर इसको इनर है, तो इनर के साथ ये वाली आउटर हो जाती है, तो आउटर को क्या करेंगे, हम सारे कॉइल को आउटर के साथ ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे देखो एक से यहाँ से लिए और एक कॉइल छोड़ा और दूसरे के साथ ऐड कर दिया, यानी कि एक से तीन के सीरीज में ये ऐड होगा, यहाँ से निकला एक कॉइल बीच में गैप छूटा, तीसरे कॉइल में जाकर के जुट गया, ऐसे आप देख सकते हो तीसरे कॉइल में जाकर के जुट गई। फिर से इसकी यहाँ से देखो तो ये आपकी हो जाती है, मान लेते हैं हमारी आउटर वायर, तो इसकी हो जाती है इनर वायर। आपको देख सकते हो कि इसकी आउटर से इसको आउटर को मैच कर दिया, हमारी ये भी कनेक्शन हो गया, यानी कि एक से तीन के सीरीज में ये भी हो गया। जैसे यहाँ से निकला एक गैप गया तीसरे में जाकर के जुट गया, यानी कि एक से तीन के सीरीज में ये आपकी टोटली कनेक्शन हो जाती है। इसका भी देखो तो ये डायरेक्टली यहाँ आ गई और यहाँ से जो निकली आपका बीच में एक गैप छोड़ करके और डायरेक्टली इसके अगले वाले सिरे पे आ गई, ये भी एक से तीन के साथ कनेक्ट हो गई। जैसे आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे 5 ब्लेड का कनेक्शन करते हो सेम ट्यू इसका भी वैसा ही करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रनिंग कॉइल डालते हैं, स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। स्टार्टिंग कॉइल के लिए बीच में सेपरेटर पेपर हम इसमें यूज करने वाले हैं, ताकि कितने लोग इसमें टेप डाल देंगे, लेकिन हम इसमें टेप कॉइल नहीं लगाने वाले हैं। इसका स्टार्टिंग कॉइल हम क्लियर करते हैं, और स्टार्टिंग और दोनों रनिंग दोनों का मैं डाटा एक साथ फ्लैश कर दूंगा, आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी मेंशन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कनेक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि अगर इस तरह की लीड निकल के आती है 8-8 कॉइलों की, तो उसको आसानी से किस तरह से लीडिंग की जाती है और किस तरह से कनेक्शन की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग कॉइल को कॉइल डालते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉइल। जैसे आप देख सकते हो कि हमारी ये इनर वायर और दूसरी आपकी आउटर वायर, जो कि हमारी सेम कॉम्बिनेशन में निकली हुई। जैसे देखो इसकी भी बाहर वाली और इसकी भी बाहर वाली, एक के तीन के सीरीज में ये भी निकलेगी, हमारी कनेक्शन परफेक्ट होती है। चलिए आगे चलते हैं और इसकी रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल क्लियर करते हैं। देखिए इसका स्टार्टिंग और रनिंग दोनों डल चुका है। जैसे देखो अभी तो भी हमारी अंदर से ये स्टार्टिंग कॉइल जो इसकी डली है ना सिंगल सिंगल कॉइल में, जैसे आपको दिखेगा ओनली चार कॉइलें बनी थी, जिसमें आपकी टोटल कॉइल है इसी चार कॉइलों से है, और इसका भी कनेक्शन सेम टू यू, हमने देखो कॉइल डाल करके और कनेक्शन भी निकाल रखी है, कनेक्शन वहीं एक से तीन, जैसे मैंने आपको बताया एक से तीन के कॉम्बिनेशन सेम टू यू इसके में भी वहीं फॉलो होता है। जैसे देखो मैं अभी आपको दिखा देने का प्रयास करता हूँ, ये मान लेते हैं आपकी इस कॉइल की ये हो जाती है, तो इसकी एक ये सिरा एक आपको यहाँ पे निकलेगी,
तो ये देखो तो तीन के कम्बिनेशन में, यानी कि ये बीच में गैप छूट गई, फिर से एक अगले वाले पे जा करके जुट गई है ऐसे देखो। तो एक के तीन के कम्बिनेशन में आपको पूरी कॉइल की कनेक्शन करती हुई जानेगी, लास्ट में आपको चार कॉइलें निकल जाती है जो कि आपको ये दोनों वायर स्टार्टिंग के हो जाते हैं, रनिंग के हो जाते हैं, और ये दोनों वायर स्टार्टिंग के हो जाते हैं। चलिए पीछे के साइड से इसकी क्या होगी कि मैं आपको डाटा देने का, तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का मैं डाटा अभी आपको देने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी इसमें पेपर डालूंगा और पेपर डाल के इसकी पूरी धागे वगैरह कर लेंगे, और इसमें हीट सिंक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसमें थर्मोस्टेट का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मोटर जब हीट हो तो फिर आपकी लाइन कटअप हो जाए। चलिए कनेक्शन फाइनल करते हैं और दोनों का डाटा एक साथ मैं फ्लैश कर दूंगा, आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के लगा सकते हो। देखिए एक साइड का बंधानी हमारा हो गया है, बंधानी देखो कितने फ्रेश रूप से हमने किए हुए हैं ताकि हमारी कॉइल जो कि स्टार्टर इसमें से स्लॉट रोटर इसमें से आसानी से आयन जाएंगे रहेंगे, फ्री टाइप रहेगा। दूसरा चीज़ इस साइड आते हैं तो हमारी ओनली वन चार लीडें बच जाती है ऐसे, और ये दो लीडें आपकी स्टार्टिंग और दो रनिंग की हो जाती है। उसमें भी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ इस तरह की थर्मोस्टेट जो कि आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, अगर मोटर हीट भी होती है तो आसानी से ये लाइट को कटअप करा देता है। मैं इसमें 7 एम्पियर का थर्मोस्टेट यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इससे कम के भी ली जा सकती है, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर का भी ली जा सकती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल अभी 7 एम्पियर का था तो हमने 7 एम्पियर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। कनेक्शन के लिए इसमें सिल्वर की क्वाइल डाली गई है, तो भाई साहब हम सिल्वर वायर ही से लीडिंग करने वाले हैं। चलिए लीडिंग वगैरह फाइनल करते हैं। देखिए क्वाइल दोनों तरह से पूरे फिनिशिंग हो चुकी है ऐसे देखो, इस साइड से भी बांधी जा चुकी है और इस साइड से भी बांधी जा चुकी है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी बस यही है कि इस रीट में जो जितने भी पेपर थोड़ा सा ऊपर के साइड आए हुए हैं, ये अप के साइड जो कि आपके स्लॉट से थोड़ा सा ये बाहर के साइड दिखा रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा पंच करना होगा नीचे के साइड जिससे आपकी पेपर पूरी जा करके बैठ जाए। दूसरा चीज़ इसमें से कनेक्शन के बारे में बात करूँ तो कनेक्शन के लिए हमने इसमें प्रॉपर 6 वायर निकाल लिया है। इसमें से क्यों निकाली है चलिए बताता हूँ। ये दोनों वायर जो ब्लैक वाली दिख रही है आपकी स्टार्टिंग की कॉइल की हो जाती है, ये दो आपका रनिंग कॉइल के लिए हो जाती है येलो वाली, और ये दोनों वायर हो जाती है पतली वाली, ये हो जाती है आपकी थर्मोस्टेट के लिए। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि थर्मोस्टेट के हमने लिए हमने कॉपर वायर यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि थर्मोस्टेट में हमने डायरेक्ट शोल्ड मारी है, इसलिए मैंने इसमें कॉपर वायर यूज़ किया है। और जो आपका पॉइंट यानी कि लेग का वायर है, इसके लिए मैंने एल्युमिनियम वायर यूज़ किया है। एल्युमिनियम वायर मैंने इसलिए यूज़ किया हूँ ताकि मैं इस पर कॉपर भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसमें सिल्वर वायर इसलिए यूज़ किया हूँ ताकि इसमें पहले से ऑलरेडी एल्युमिनियम की वेंडिंग है, इसलिए अगर इस पर कॉपर की वेंडिंग दे दी जाती है तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपकी फैन 3 से 4, 5, 6 महीने लास्ट आपकी ये मोटर फिर से ख़राब हो जानी है, क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम की मिक्सर होने के कारण से वहाँ मॉइस्चराइज हो जाते हैं और नमी होने के कारण से वायर ब्रेक हो जाती है। तो आप जब भी काम करो तो अगर एल्युमिनियम की वायर है तो एल्युमिनियम से लूपिंग वायर से उसका लूप निकालो, कॉपर की हो तो कॉपर से लूप निकालो। तो देखो हमारी लूप निकल चुकी है, चलिए इसके डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं रनिंग के लिए बात करूँ, रनिंग के लिए इसमें यूज़ किए गए हैं तो टोटल आपकी मतलब इसमें कॉइल का नंबर का बात करूँ तो इसमें यूज़ किए गए हैं 26 नंबर वायर, पर कॉइल टर्न 160 का होगा, लेंथ अपने खुद से निकाल सकते हो। चलिए स्टार्टिंग के लिए बात करते हैं, इसमें यूज़ करना है आपको 27 नंबर सिल्वर वायर, व क्वाइल का टर्न आपका बात करूँ तो इसमें आपको बनानी होगी 160 टर्न की पर सेट बनाई जाएगी। इसमें सिंगल 4 सेटों बनाई जाएगी जो कि स्टार्टिंग के लिए होगी, और 8 सेट बनाई जाएगी जो कि रनिंग के लिए होगी। रनिंग के लिए आपके दो दो क्वाइलों की सेट बैठाई जाएगी, बट मैं सबसे लास्ट में आपका दोनों क्वाइल का फ्लैश प्रिंट कर दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए इसको बैठा करके आपको फीडबैक दिखाता हूँ कि आखिरकार मोटर हमारी 1440 RPM के साथ चल रही है, कितनी बेहतरीन चल रही है और कितनी फिनिशिंग रूप से चल रही है। देखिए मोटर हमारी पूरी कंप्लीटेड हो चुकी है ऐसे देखो, ये ढोलक और जो ढाल मजीरा होते हैं ना ऑटोमेटिक, वही आरती की ढोलक जो बजाई जाती है ढाल मजीरा उसी के लिए होती है। और पीछे के साइड से हमने पंखी वगैरह सब कुछ लगा करके फिट फोर फिट कर लिया हुआ है। और एक चीज़ ये कि ये 1440 RPM में होता है, और ये देखोगे कभी भी ऐसे घूमता है, आप देखना ये ऐसे घूमेगा। हमने कनेक्शन भी डाल रखी है, चलिए इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या फीडबैक आता है। हमने दिया अभी सप्लाई, देखो सप्लाई देने के बाद हमारी मोटर अभी रन कर रही है ऐसे देखो, ये आपको दिखने के लिए ऐसा घूम रहा है लेकिन ये एक्चुअल में आपका ऐसे घूम रहा है। अभी मैं स्लो करूंगा तो फिर आपको दिखाई देगा ऐसे, आप देखो पंखी भी हमारी घूम रही है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है हमारी, बहुत ही परफेक्ट रूप से हमारी मोटर वर्क कर रही है। चलिए इसको बंद करते हैं और फिर आप गौर रूप से देखना कि मोटर हमारी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे अभी आपको दिखाई देगा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि हमारी मोटर जो है ना इसको आप देखोगे तो क्लॉक बैक घूम रहा है, तो क्लॉक बैक ही घूमनी चाहिए। तो इसका डाटा वगैरह सब कुछ अपने वीडियो में फ्लैश कर दिया हूँ, जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल अगर आपके पास भी इस तरह की मोटर आती है तो आसानी से इस तरह से वेंडिंग कर सकते हो। कनेक्शन के लिए आप सभी तो कनेक्शन जानते होंगे। चलिए मिलते हैं नए जानकारी के साथ, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताना, मिलते हैं नए वीडियो में।